हाउ टू एड मनी टू पेटीएम वॉलेट। दोस्तों अगर आप लोग भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम में अपने वॉलेट में अपने बैंक के माध्यम से मनी को ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि पैसे को ऐड करना चाहते हैं और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसको देखने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने पेटीएम वॉलेट में अपने बैंक के माध्यम से कितने भी पैसे को ऐड कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं पेटीएम वॉलेट में अपने बैंक के माध्यम से मनी को ऐड, तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहिए। ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आपको पेटीएम का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप का। सिंपल आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। जब ओपन कर लेते हैं, अगर आपके पेटीएम में लॉक लगा होगा तो यहाँ पर लॉक डाल के पहले खोल लीजिएगा। अगर लॉक नहीं होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देख पाएंगे लिखा हुआ है माय पेटीएम, ये लिखा हुआ है माय पेटीएम। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर लिखा ऐड मनी और लिखा हुआ पेटीएम वॉलेट। सिंपल यहाँ देख पाएंगे आप लिखा हुआ है पेटीएम वॉलेट, आपको पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक कर देते हैं अपन पेटीएम वॉलेट पर। जब क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। दोस्तों जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम वॉलेट और यहाँ लिखा हुआ है अवेलेबल बैलेंस मतलब जीरो रुपीज़। आप देख पा रहे हैं जितना भी आपको पेटीएम वॉलेट में बैलेंस होगा वो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम ऐड मनी, ये लिखा हुआ है पेटीएम वॉलेट और यहाँ लिखा है ऐड मनी। अब यहाँ पे आप दोस्तों जितना भी अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ डाल दीजिएगा, या बाय डिफॉल्ट 1000 लिखा आ सकता है कुछ मोबाइलों में, कुछ मोबाइलों में नहीं भी आता है। अगर आ रहा है तो इसको अनटिक कर दीजिएगा और यहाँ से इसको हटा दीजिएगा पूरा। उसके बाद जितना भी पैसा इसमें ऐड करना चाहते हैं उस पैसे को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 1 रुपये लिख दिया है। उसका कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे आना, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं कि आपका जो मनी है वो आपका ऐड होगा पेटीएम वॉलेट में। और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको लिखा है ऐड 1 रुपीज़, ये देख पाएंगे ये वाला। सिंपल आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले आपको अपना अमाउंट डालना है और अमाउंट डाल के यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आप पेमेंट कैसे ऐड करना चाहते हैं, आपके बैंक से ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आपको हो सकता है आपके पेटीएम में जो दो दो तीन बैंक कनेक्टेड हों, लिंक हों, जिस भी बैंक से आप ऐड करना चाह रहे हैं उस पिन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक अपना ऐड करना चाह रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक से अपने पेटीएम वॉलेट में 1 रुपये ऐड करना चाह रहा हूँ। उसका कुछ भी नहीं करना है, बैंक पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे लिखा हुआ ऐड, सिंपल आपको पे लिखा हुआ पे क्लिक कर दीजिएगा। जब पे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा आएगा प्रोसेसिंग मनी, तो यहाँ आपका जो भी UPI पिन है वो UPI पिन यहाँ आपको डालना होता है। चलिए मैं अपना UPI पिन यहाँ डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे एक बटन देखने को मिलता है, इस पर राइट का निशान लगा हुआ, राइट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। अब जो आपका 1 रुपये है आपके बैंक के माध्यम से आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड होना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ लिखा प्लीज वेट, थोड़ा वेट करेंगे अपन तो आप देख सकते हैं मनी ऐड सक्सेसफुली 1 रुपये। तो आप देख पाएंगे जो मेरा पेटीएम वॉलेट है उसमें 1 रुपये ऐड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चलिए अपन इसको क्लोज कर देते हैं। बैंक से मैसेज भी आ चुका है मेरे पास, देख सकते हैं आप मैसेज भी आ चुका है। और अब यहाँ से मैं आप दोस्तों इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखिए पूरा बंद करते हैं अपन पेटीएम को और दोबारा से ओपन करेंगे तो आपको दिखाना चाहूँगा पेटीएम वॉलेट में जो पैसा आया कि नहीं आया है। तो क्लिक करेंगे पेटीएम यहाँ पर बैंक बैलेंस हिस्ट्री पर यहाँ पर, और जब क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आ चुका है पेटीएम बैलेंस में 1 रुपया आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने पेटीएम वॉलेट में बैंक के माध्यम से पैसे को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपको अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे को ऐड करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे यहाँ जो निवेदन करूँगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।